नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य कॉमर्स सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एचआरए से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसको कैलकुलेट करके यहाँ देखने वाले हैं, और इसे कैसे कैलकुलेट करना है ये अगर देखना है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए, ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एग्जम्प्टेड एचआरए। क्या निकालेंगे? एग्जम्प्टेड एचआरए। ठीक है, तो पहला दोस्तों हम लोगों को जो कैलकुलेशन करने का तरीका है, तो नंबर 1 एक्चुअल एचआरए चाहिए। ठीक है, जो एक्चुअल एचआरए हमें दिया हुआ है, ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको पर मंथ लिखा हुआ हो तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ईयरली कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर पर मंथ में ही कैलकुलेट कीजिए और जो आंसर आए उसे 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ ईयरली अमाउंट लिया है तो ईयरली डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन में सैलरी 54,000, एचआरए रिसीव 6,300, रेंट पेड 3,600। अब हमें ये देखना है कि इस एचआरए में कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा वो सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमने यहाँ एक आपको डायग्राम दे दिया है जिसमें सबसे पहले क्या है एक्चुअल एचआरए, फिर क्या है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, फिर क्या है 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। अब क्वेश्चन देखने से पहले जब क्वेश्चन लिखा हो तो उसमें यह जरूर देख लीजिएगा कि जिस व्यक्ति के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो व्यक्ति रहता कहाँ है, भारत के किस राज्य, किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट, किस शहर में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया है कि 40% ऑफ सैलरी मतलब पूरे भारत में 4 जगहों को छोड़कर, और वो 4 जगह का 50% ऑफ सैलरी कौन कौन सा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये 4 जगह से नहीं है, वो कहीं और से है, पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र से आप ले लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक्चुअल एचआरए, तो एचआरए रिसीव कितना हो रहा है 6,300। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या चाहिए रेंट पे, मतलब वो रेंट कितना देता है, तो 3,000, या ऐसा करते हैं यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखा हुआ यहां आपको समझ में आ ही जाएगा। तो रेंट पेड कितना है, रेंट पेड 3,600। अब इसमें लैस कर देना है 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, ये सैलरी जो वो उसे सैलरी मिल रहा है, ये सैलरी कौन सा अमाउंट होगा, इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। यहां से बेसिक सैलरी दिया है तो हम सिर्फ बेसिक सैलरी को ही लेंगे। आपको अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो अलावेंस, जैसे आपको डियरेंस अलावेंस अगर मिलता है तो वो डियरेंस अलावेंस अगर सेवा शर्तों के अधीन है तो वो इस सैलरी में जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई कमीशन सेल्स पे मिलता है तो वो जुड़ जाएगा सैलरी में। उसके बाद जो सैलरी आएगा उसी सैलरी का आपको 10% निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हम 10% निकालते हैं तो ये आता है 5,400, जो कि अगर माइनस करें तो कोई अमाउंट नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इट मींस ये कितना आया, नील। ठीक है, अब 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ सैलरी मतलब इसी अमाउंट का, अगर आप दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के लिए कैलकुलेट करते तो 50% ऑफ सैलरी होता। ठीक है दोस्तों, 40% ऑफ सैलरी ये अगर निकालते हैं हम तो ये आ जाता है 21,600 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या देखना है कि जो एग्जम्प्टेड होगा एग्जम्प्टेड एचआरए,
वो होगा इन तीनों में जो कम होगा, इन तीनों में जो कम होगा, बिल्कुल जो इन तीनों में कम होगा, वैसा नहीं कि इन तीनों में कोई कम ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे कम क्या है? नील। मतलब आपका जो छूट है वो जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको छूट मिलने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे एचआरए पे छूट नहीं मिलेगा। तब टैक्सेबल एचआरए क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो टैक्सेबल एचआरए निकाल लेते हैं, इसके लिए हमने लिखा एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जम्प्टेड एचआरए, ठीक है। अब टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए एक्चुअल एचआरए कितना है? 6300 माइनस एग्जम्प्टेड कितना? नील। इक्वल टू कितना आएगा? ये हो गया टैक्सेबल एचआरए। और इसी टैक्सेबल एचआरए को आप जब सैलरी का कंप्यूटेशन कीजिएगा तो उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा एचआरए के नाम से, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं ताकि वो भी समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके लिए भी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग जरा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी 72,000, एचआरए दिया हुआ है 3600 और आपका रेंट पेड है 11,520, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या चाहिए? पहले एक्चुअल एचआरए जो कितना है 3600, ठीक है। अब रेंट पेड कितना? रेंट पेड हो रहा है 11,520, तो हम यहां पे ले लेते हैं 11,520 लेस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कौन सा सैलरी लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां हम कौन सा सैलरी लेंगे? 72। आपको इस सैलरी में अगर दिया हो डियरेंस अलावेंस और अगर दिया हो कमीशन तो वो जोड़ के लेना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका 7200। इसके बाद जो बच जाता है वो है 234, ठीक है दोस्तों। तो ये अमाउंट हम यहां ले लेते हैं 4320। आपको ये अमाउंट को आप यहां लिखोगे और ये अमाउंट को यहां लिखोगे, जो आएगा वो अमाउंट हम यहां लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर 40% ऑफ सैलरी, तो इसी सैलरी का जो 10% के लिए यूज किए हैं इसी का 40% आपको निकालना है, ठीक है। 1 2, ठीक है, 0 0 4 2 8 और 7 4 28, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 28,800। हमने पहले ही बताया एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड एचआरए कौन सा होगा, तो व्हिच एवर इज लेस, ठीक है, कौन इसमें सबसे कम है। तो सबसे कम कितना है? तो 36, कितना है? 3600। मतलब आपको 3600 रुपए का छूट मिलेगा। तब टैक्सेबल एचआरए कितना हो जाएगा? तो टैक्सेबल एचआरए के लिए हमने लिखा है या होता है टैक्सेबल एचआरए इक्वल टू एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जम्प्टेड एचआरए। एक्चुअल एचआरए हमें कितना मिल रहा था? 3600 माइनस एग्जम्प्टेड कितना आया? 3600। अब लेस कर दें तो हमें मिलेगा अंडा, मतलब शून्य, इट मींस नील। मतलब टैक्सेबल एचआरए आपके लिए कुछ नहीं आएगा, मतलब सैलरी में कोई भी अमाउंट एचआरए के नाम पे इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। नंबर 3, इसके लिए आपको क्या लेना है? तो यहां दिया हुआ है सैलरी 72,000, फिर एचआरए दिया हुआ है 12,600, फिर आपका रेंट पे दिया हुआ है 9,000। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक्चुअल एचआरए 12,600, उसके बाद हम क्या लेते हैं? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड यहां कितना दिया हुआ है? 9,000,
ये हम बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप सामने भी कर सकते हो। लेस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी कितना आएगा 72,000 इंटू 10/100। कैलकुलेट करते हैं तो 7200 आता है, माइनस करने के बाद आता है, ये माइनस अगर कर देते तो उसके बाद आता है 81। कितना आया दोस्तों 1800। ये 1800 हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 40% ऑफ सैलरी, बिल्कुल इसी सैलरी का 40% पहले भी मैं बता चुका हूं कैसे लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 2 8 7 2 7 4 28, ठीक है, यानी 28,800, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इन तीनों में सबसे कम क्या है, वो एग्जम्प्टेड होगा, छूट मिलेगा। तो तीनों में कम कितना है 1800, मतलब ये अमाउंट आपको छूट मिलेगा, तब टैक्सेबल एचआरए क्या हो जाएगा। तो टैक्सेबल एचआरए के लिए एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जम्प्टेड एचआरए, एक्चुअल एचआरए कितना था 12,600 माइनस एग्जम्प्टेड कितना होगा, मतलब आपको उसमें छूट कितना मिलेगा 1800, जितना बच जाता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 0 0 6 16 में 8 गया, 8 11 में 1 गया 10, ये आपके लिए टैक्सेबल एचआरए है। ये सैलरी शीट या कंप्यूटेशन जब सैलरी का होगा तो उसमें एचआरए के नाम पे, एचआरए अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस के नाम पे ये टैक्सेबल अमाउंट होगा जो सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, अब आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, एक बार करके देखिए आप। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें सही किया जा सकता है और आप क्या चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आने वाली सीरीज के, इससे रिलेटेड जितने भी सीरीज के वीडियो हैं वो आपको मिलता रहे, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले, तो हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।